आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 25 जनवरी को छात्रों के ऊपर होने वाले अत्याचार की, जिसमें लाज में रहने वाले छात्रों को उनके कमरे में घुसकर मारा पीटा गया था। पुलिसी अत्याचार की आलोचना करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि युवाओं का दमन न्यायोचित नहीं है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान की गिरफ्तारी पर भी अध्यक्ष अनिल सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिसी अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि रोजगार को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्रों ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज स्टेशन पर रेल रोको अभियान चलाया था, जिसमें युवा मंच द्वारा कोई भी आंदोलन आयोजित नहीं था। पुलिस ने बघाड़ा में लाजों में घुसकर बेरोजगार प्रतियोगियों पर क्रूरता के साथ जो व्यवहार किया है और उनकी पिटाई की है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि युवा मंच सहित कई संगठनों ने इस पुलिस कार्यवाही का विरोध किया है, जिस कारण से युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है, जबकि युवा मंच ने चुनाव की आचार संहिता के चलते कोई आंदोलन आयोजित नहीं किया था। उन्होंने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे ग्रुप डी के लिए दो परीक्षाओं के आयोजन के तुगलकी फरमान से युवा आहत होकर आंदोलन को मजबूर हो गए, और उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन किया था, जिसके संबंध में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। बने रहिए हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चल जा।